नमस्कार छात्रों, चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए छात्रों, कुछ इग्नू के जो छात्र हैं उन्होंने मुझे कमेंट किया है, वो जानना चाहते हैं कि इग्नू का ग्रेड कार्ड कैसे देखें। जी हाँ, इग्नू में कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनको ये पता नहीं है कि ग्रेड कार्ड कैसे चेक किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं है, छात्रों को, कि ग्रेड कार्ड कैसे किया चेक किया जाए। तो कमेंट्स किया है काफ़ी स्टूडेंट्स ने, तो आज मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि इग्नू का ग्रेड कार्ड, यानी कि जिसको एक तरह से मार्कशीट बोल सकते हैं, एक्चुअली ग्रेड कार्ड में किस सब्जेक्ट में आपको कितना नंबर मिला है, प्रैक्टिकल में या असाइनमेंट में या थ्योरी में कितना नंबर मिला, वो सारा नंबर एक्चुअली मेंशन उसके अंदर रहता है, वही हुआ ग्रेड कार्ड। तो ग्रेड कार्ड कैसे चेक करें, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सिंपल सा स्टेप है। देखिए, सबसे पहले आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, जो कि है www.ignu.ac.in। ठीक है, उनका ये ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, www.ignu.ac.in। गूगल में जाके ये एड्रेस टाइप करेंगे तो उनके इग्नू के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप आ जाएंगे। तो देखिए, इस समय मैं इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, उनका ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज पे हूँ। आप देख पा रहे हैं होंगे स्क्रीन पे। अब मैं बताता हूँ कैसे आपको ग्रेड कार्ड चेक करना है। देखिए, थोड़ा जूम करता हूँ। जूम करते ही देखिएगा, उनका जैसे ही होम पेज पे आप आएंगे तो उनके होम पेज पर काफ़ी सारे मेनूज़ हैं, यानी कि ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे देखिए, कुछ ऑप्शन मैं बताता हूँ। पहले दिया हुआ है होम, अबाउट इग्नू, इस तरह से कई सारे ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर देखिए, एक ऑप्शन है स्टूडेंट सपोर्ट। स्टूडेंट सपोर्ट, यहाँ से आप काफ़ी कुछ जान सकते हैं। थोड़ा जूम करता हूँ, फिर से ये हो गया, जूम करता हूँ। देखिए, स्टूडेंट सपोर्ट एक मेनू है, स्टूडेंट सपोर्ट। तो स्टूडेंट सपोर्ट ये मेनू है उनके होम पेज पे। तो इस मेनू पे क्लिक करके आप बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं, ग्रेड कार्ड, इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ, आप वीडियो पे बने रहिए। देखिए, आप जैसे ही स्टूडेंट सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, उसके अंदर कुछ सब मेनू आ गया। देखिए क्या क्या है, स्टूडेंट जोन, स्टूडेंट ग्रेवियंस, डाउनलोड रिजल्ट, यानी कि चारों काम आप यहां से कर सकते हैं इस मेनू को क्लिक करने के बाद। तो हमें रिजल्ट्स देखना है, यानी कि ग्रेड कार्ड देखना है, तो सबसे लास्ट वाला जो है रिजल्ट, उस पर हम क्लिक करेंगे। सिंपली हमको उस पर क्लिक करना है रिजल्ट पे। तो चलिए हम रिजल्ट पे क्लिक करते हैं। अब रिजल्ट पे क्लिक किया, देखिए रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद अब कुछ और सब मेनू हमारे सामने आ गए, जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम, रिटर्न ग्रेड कार्ड, ओपन मैट, टर्म एंड ग्रेड कार्ड, रिवॉल्यूशन, इस तरह काफ़ी सारे उसके अंदर रिजल्ट के अंदर सब मेनूज हैं जो आ गए, आप देख पा रहे होंगे। अब हमें इसमें से देखिए, एक ऑप्शन है ग्रेड कार्ड, ग्रेड कार्ड को चूज़ करना है, उसको क्लिक करना है। देखिए ग्रेड कार्ड, जैसा कि मैंने अंडरलाइन भी किया, ग्रेड कार्ड, फिर से थोड़ा जूम करता हूँ, ग्रेड कार्ड। ठीक है, तो हमें यहाँ सिंपली ग्रेड कार्ड को क्लिक करना है। ग्रेड कार्ड को क्लिक करते ही हम उस पेज पे चले जाएंगे जहाँ ग्रेड कार्ड दिख सके। देखिए ग्रेड कार्ड जैसे क्लिक किया तो हमारे सामने तीन ऑप्शन आया, 4 BCA, MCA, MP, MPB। दूसरा ऑप्शन है 4 BDP, BA, BCOM, BSc, ASSO प्रोग्राम। तीसरा है फॉर अदर प्रोग्राम, यानी कि आप जिस कोर्स, यानी कि जो कोर्स कर रहे हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। सपोज़ करिए कि आप इग्नू से BCOM कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर दूसरा वाला जो ऑप्शन है 4 BDP, BA, BCOM, देखिए जैसे कि, तो BCOM कर रहे हैं या जो भी सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से अपना सब्जेक्ट चूज़ कर लेना होगा। तो BCOM कर रहे हैं तो हमें ये ऑप्शन पर, सेकंड वाले ऑप्शन पर, जिसमें लिखा हुआ है 4 BDP, BA, BCOM, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर एक और पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ग्रेड कार्ड स्टेटस, ग्रेड कार्ड स्टेटस। अब यहाँ पर आपको अपना सिलेक्ट प्रोग्राम, देखिए नीचे लिखा हुआ है सिलेक्ट प्रोग्राम,
सिलेक्ट प्रोग्राम। अब यहाँ उसके बगल में देखिए आप, यहाँ प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे BA, BCom, BDP, BSc, तो मैंने BCom सिलेक्ट किया। अब उसके बाद एंटर एनरोलमेंट नंबर, देखिए यहाँ पर बोल रहा है एंटर एनरोलमेंट नंबर, तो आपको यहाँ सिंपली अपना एनरोलमेंट नंबर इस बॉक्स के अंदर एंटर करना है, इस बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर अपने आप एंटर एनरोलमेंट नंबर एंटर करेंगे और यहाँ उसके बगल में देखिए सबमिट ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ग्रेड कार्ड खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो ये हुआ इग्नू का ग्रेड कार्ड स्टेटस चेक करने का तरीका, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इसके अलावा मैं एक ग्रेड कार्ड पर डायरेक्ट, आप ग्रेड कार्ड डायरेक्ट जाके चेक कर सकते हैं, इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जिनको भी इग्नू का ग्रेड कार्ड चेक करना नहीं आता या नहीं जानते हैं, वो इस तरह से अपना ग्रेड कार्ड चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।